हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 के अंदर चैप्टर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप है, जिसका हमको सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी उसके टोटल एरिया का फॉर्मूला और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पहले देखना है। तो पहले हम क्यूबॉइड्स, दूसरा देखेंगे हम क्यूब्स है, फिर सिलेंडर है, फिर देखेंगे कौन है। बराबर है, हर एक लाइन बाय लाइन क्यूबॉइड्स है, क्यूब है, सिलेंडर है, कौन है और स्फीयर। इन सब के पहले तो हमको टोटल एरियाज के फॉर्मूला देखने हैं, बराबर है, और दूसरे उसके वॉल्यूम कितना होता है वो वॉल्यूम्स भी देखना है हर एक का। और इसके लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड 10 के अंदर चैप्टर नंबर वहां पे 13 है, जो भी यही है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का चैप्टर है। इसके लिए मैंने ये सारे जो फॉर्मूलाज है यानी हर एक शेप का फॉर्मूला किस प्रकार से आता है वो सभी मैंने बताया हुआ है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 10 का वीडियो है, मैं उसकी लिंक इधर लास्ट में दे देता हूँ, तो वहां आपको उसका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है, जिसके अंदर ये सभी फॉर्मूलाज मैंने किस प्रकार से आए हैं, कैसे लिखते हैं, वो सभी डिटेल दी हुई है। तो वहां से आपको पहले वो डिटेल अच्छी तरह से देख लेनी है, पढ़ लेनी है, तो ये सभी फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज का। तो ये वीडियो के लास्ट में मैंने डिस्क्रिप्ट लिंक दे दी है, वहां आपको ये सभी फॉर्मूला का डिस्क्रिप्शन और किस प्रकार से फॉर्मूला आता है वो आपको वहां से मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1, जिसका क्वेश्चन 1 है, जिसके अंदर आपको एक प्लास्टिक बॉक्स की बात की है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, वाइड है 1.25 मीटर और डीप है 65 सेंटीमीटर। इधर देखो ये सेंटीमीटर में है जबकि ये सब मीटर में दिया, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी इधर लॉन्ग है तो एल इज इक्वल टू 1.5 मीटर लेंगे, ब्रीथ बी इज इक्वल टू 1.25 मीटर लेंगे और डीप वही उसकी हाइट हो गई एच, तो 65 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में करते हैं तो 65 डिवाइड बाय 100.65 मीटर भी लिख सकते हैं। अब आपको वन साइड ओपन है प्लास्टिक बॉक्स, तो वन साइड ओपन प्लास्टिक बॉक्स एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक साइड ओपन है यानी एलबी वाला एरिया एक कम आएगा। आप फॉर्मूला में देखोगे तो एक एलबी कम आता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया और नीचे का आपको बॉटम ही लेना है, यानी वन साइड ही लेनी है। तो आपका फॉर्मूला रहेगा एलबी 2bh प्लस 2hf। ये जो है पहले में वन साइड ओपन है यानी ऊपर वाला भाग निकल जाएगा, ये एक एलबी कम हो जाएगा यानी एलबी प्लस 2bh प्लस 2hl आएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन करो, एल कितना है तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी कितना है 1.25 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच कितना है तो 0.65 मल्टीप्लाई 1.5
बराबर है। अब सबका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं लाइन में, मल्टीप्लिकेशन करके मैंने लिखा है और आंसर ले लिया है, तो आंसर आया सभी मीटर्स में है अब, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको बोला है उसके अंदर 20 रुपीज है ना, हाँ, यानी 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20 रुपीज है, तो हमारे पास कितना आया था 5.45, तो 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक बॉक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, तो क्रॉस में दोनों आएंगे यानी 5.45 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 1, ये तो लिखो के लिए लिखो, यानी 20 से मल्टीप्लाई करना है, 5.45 मल्टीप्लाई 2 कर देते, 5 2 10 0 1, 4 2 8 और 9, 5 2 10। अब देखो 20 है तो एक 0 और लगा दिया, दो पॉइंट निकाल दिया यानी 109, यानी 109 और वो क्या आया रुपीस में। आपको दोनों ही आंसर मिल गए, पहला आंसर आपको ये ढूंढना था जो वन साइड ओपन है उसका एरिया, और बाद में कितनी कॉस्ट होती है वो मटेरियल की 20 रुपीज के हिसाब से, तो 109 रुपीज उसकी कॉस्ट भी मिल गई। अब एक्सरसाइज 13.1 उसका क्वेश्चन 2 है, जिसके अंदर आपको एक रूम है उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट आपको दी हुई है, और वाइट वॉशिंग द वॉल और सीलिंग एरिया, यानी चारों वॉल को आपको वाइट वॉशिंग करना है और सीलिंग को करना है, यानी नीचे वाला फ्लोर नहीं आएगा, उसका मतलब कि वन साइड ओपन क्यूबॉइड आएगा, क्यूबॉइड एरिया, तो उसका मतलब आएगा LD 2BH प्लस 2HL वाला फॉर्मूला। ये देखो LD अकेला ही आएगा ऊपर के लिए, नीचे फर्स के लिए वो आएगा नहीं, तो हम सब वैल्यू पुटअप करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2H कितना है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 4 20, 4 3 12 12 2 24, 5 3 15 2 30, तो आपको देखो आंसर मिल गया 4 3 2 और 2 4 4 और 3 7, यानी 74 मीटर स्क्वायर आ गया। कितना है तो व्हाइट वॉशिंग वॉल वाला 4 वॉल और सीलिंग एरिया आ गया। अब आपको बोला है उसकी कॉस्ट 7.5 रुपीज है, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज इक्वल टू 7.5 रुपीज, तो कितना है 740 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 7.4 मल्टीप्लाई 7.50 जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा स्क्वेयरिंग कर लेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन यानी 75 और 74 का 0, जीरो 5 3 और 2 5 और 5, तो आंसर आ गया 5 5 5। अब देखो दो पॉइंट, एक पॉइंट निकालना है, तो ये आ गया 0.0 रुपीज, तो ये आ गया आपका आंसर 555 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर वॉल है
जिसके फ्लोर की पेरीमीटर यानी नीचे वाला जो बेस है वो भी रेक्टेंगुलर ही रहेगा। तो ये जो एरिया है नीचे वाला, इसकी पेरीमीटर आपको दी हुई है, बराबर है। और पेंटिंग कॉस्ट ऑफ फोर वॉल्स के लिए 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और इतना कॉस्ट होता है 50,000 रुपीज, यानी 10 रुपीज कॉस्ट देन एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो 50,000 रुपीज कॉस्ट देन एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपको मिलेगा 15,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10, 10 का एक जीरो गया, 15,000 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया मिल गया किसका, फोर वॉल्स का। तो फोर वॉल्स का एरिया वही हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है ना। तो फोर वॉल्स एरिया इज इक्वल लेटरल सरफेस एरिया, फोर वॉल का एरिया कितना है, तो 1500 इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसमें खाली क्या निकल जाता था, तो 2BH प्लस 2HL वाला यही पार्ट आता था, 2H कॉमन निकाल देते थे, तो आता था क्या L प्लस बी। अब बता रहा हूं मैं कि H मल्टीप्लाई 2L प्लस बी करता हूं, तो ये जो हुआ 2L प्लस बी वही हमारे रेक्टेंगुलर फोर की पेरीमीटर हो गई ना 250, ये 2L प्लस बी ही फॉर्मूला आएगा ना ये पेरीमीटर्स के लिए। तो उसकी जगह पे ये देख सकता हूं, यानी फ्लोर पेरीमीटर 2L प्लस बी इज इक्वल टू 250, तो वो इसके अंदर रख देते हैं। तो 1500 इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई 250, तो आपको हाइट मिलेगी, देखो 1500 नीचे 250, तो ये तो कट जाएगा। दूसरा एच इज इक्वल टू, तो इसका आएगा 100, यानी 5 3 15 और 5 2 10, नीचे 5 5 सबके ही फैक्टर्स निकाले, तो h इज इक्वल टू 3 2 6 मीटर। तो आपको देखो हाइट मिल गई ये, और वही आपको ढूंढनी थी h 6 मीटर आएगी।